हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का के बुक का पेपर टू समकालीन भारत तथा शिक्षा यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का टॉपिक करेंगे। ठीक है, इसमें आज का टॉपिक है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 के बाद। वैसे इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत गवर्नमेंट ने क्या क्या शिक्षा में उन्होंने प्रयास किए। अंग्रेजों के टाइम से ही जब हमारा भारत औपनिवेशिक था अंग्रेजों के अधीन, तो उस समय भी भारतीय शिक्षा काफ़ी अच्छी नहीं थी उस पर। तो उनके जाने के बाद कई सारे आयोग आए, ठीक है, मुदालियर आयोग है और माध्यमिक शिक्षा आयोग है, लेकिन सबसे जो फेमस है वो है भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। ठीक है, इस बीच में ये सबसे बड़ा प्रस्ताव था और सबसे कई लंबे बाकी आयोग से काफ़ी लंबे समय तक चला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग से पहले यद्यपि देश के कई राज्यों ने मुदालियर कमीशन लागू कर दिया था, पर इसके उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, मुदालियर कमीशन यानी शिक्षा, अभी याद रखना आपको, लाइन वाइज याद आपको हमें याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि पहले कौन सा आयोग था, फिर उसके बाद कौन सा आया या इसके बाद कौन सा आने वाला है। तभी हम अभी भारतीय शिक्षा आयोग कर रहे हैं, यानी कि इसके आयोग से पहले मुदालियर कमीशन था। ठीक है, इसी कारण जिस नए कमीशन का गठन हुआ वह था कोठारी कमीशन के नाम से मशहूर हुआ। यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग अगर आ जाए कुछ पेपर में या कोठारी कमीशन आ जाए, अब उड़ना नहीं, दोनों क्वेश्चन एक ही है फ्रेंड्स। ठीक है, चाहे कोठारी कमीशन बोलो या भारतीय शिक्षा आयोग बोलो। ठीक, अब इसका नाम कोठारी कमीशन क्यों है, क्योंकि इसका डॉक्टर DS कोठारी ने जो है इनके अध्यक्षता में शामिल किया था। तो कोठारी कमीशन, इस आयोग का गठन भारतीय सरकार के पारित प्रस्ताव दिनांक 14 जुलाई 1964 के आदि अनुसार किया गया। यानी कि कब इसका लागू किया गया, 14 जुलाई 1964। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्यकाल सभी कमीशन से कहीं ज़्यादा लंबा था। इस डॉक्टर कोठारी के अतिरिक्त इस आयोग में 16 सदस्य थे, उनमें से 11 भारतीय थे और 5 विदेशी थे। ठीक, आयोग के सचिव पद का भार श्री जेपी नैयर सलाहकार शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया था। फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत सिंपल सिंपल नोट्स बनाए हैं ताकि कुछ पॉइंट्स दिमाग में बैठे रहें। ठीक, तो अच्छा लगेगा, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आयोग के सचिव पद का भार श्री जेपी नैयर सलाहकार थे, उनको सौंपा गया। ठीक, फिर 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ इस आयोग को ने लगभग 1.5 साल के दौरान जून 20, 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने उन्होंने प्रस्तुत की। अब इनके मुख्य सुझाव क्या थे कोठारी कमीशन के, तो पहला था इन्होंने शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य, यानी कि ऐसा शिक्षा बनाना जो कि राष्ट्रीय और सामाजिक नैतिक हर तरीके से सही हो, सबके मूल्यों में वृद्धि हो, अनिवार्य हो, और सर्वप्रथम देश की शिक्षा का अर्थपूर्ण विकास हो। दूसरा, निर्देशों का माध्यम, वैसे उन्होंने कहा था भारतीय शिक्षा का माध्यम राजकीय भाषा में ही होना चाहिए, लेकिन आजकल अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरतों को देखकर यानी इंटरनेशनल ज़रूरतों को देखकर ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी भाषा को भी विद्यालय स्तर में बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद है तीसरा, व्यावसायिकता यानी कि वोकलाइजेशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा को, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो उसको ऐसा पढ़ना चाहिए ताकि वो आगे जाकर उनके काम आ सके, करियर में जॉब दिलाने में, तो व्यावसायिकरण होना चाहिए। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा कैसे होनी चाहिए, व्यावसायिक होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षा पर बल दिया इन्होंने, पढ़ाने के तरीकों और पाठ्यक्रम सुधार के लिए बोला, पाठ्यक्रमों का चयन करने के लिए बोला ताकि उसमें हर तरह का पाठ्यक्रम शामिल हो। ठीक है, और उसके बाद भाषाओं का अध्ययन, अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग जनजातियों के लोग, जैसे और भी कई सारी भाषाएं हैं, वो अपनी भाषा का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रमों का चलन एक बार बता देती हूँ मैं, इसमें पाठ्यक्रम विविधता इस प्रकार होना चाहिए कि किसी भी 3 विषयों का अध्ययन करें और साथ साथ में वैकल्पिक विषय यानी कि फिजिकल हो जाए और भौतिक, आध्यात्मिक, रिलीजियस टाइप का भी होना चाहिए। उसके बाद कमीशन की प्रस्तावित संरचना क्या है, उन्होंने कैसे कहा कि शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 10+2+3 शिक्षा योजना होनी चाहिए जो भी चल रही है। ठीक है, आयोग द्वारा इस प्रस्तावित शिक्षा काल पद्धति निम्न प्रकार से है, इन्होंने बताया शिक्षा काल कैसी होनी चाहिए। इन्होंने कहा 1 से 3 वर्ष पूर्व यानी कि प्री स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। उसके बाद 7 या 8 वर्ष के बच्चे जो हैं प्राथमिक अवस्था के लिए
होनी चाहिए और निम्न माध्यमिक अथवा उच्च विद्यालय व्यवस्था के लिए कितने साल पढ़ने चाहिए, उसके लिए 2 या 3 साल। ठीक है, उसके बाद उच्चतम शिक्षा व्यवस्था जिसमें स्नातक होने के लिए 2 से 3 वर्ष की पढ़ाई जरूरी है। ठीक, उसके बाद इस भारतीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग यानी कि उसके उद्देश्य क्या है। ठीक, इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन 1966 में कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए। इन्होंने इसमें बताएं कि उत्पादकता में वृद्धि करना, यानी कि हम ऐसी पढ़ाई करें जिससे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। ठीक है, नेशनल इनकम बढ़े, देश की GDP बढ़े, तो ऐसी हमें पढ़ाई लोगों बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। ठीक, तो ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिससे कि लोगों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लोग जो हैं मतलब राष्ट्रीय नज़र से एक दूसरे से शक्तिशाली प्रणाली कोठारी ने कहा कि सामान्य स्कूल प्रणाली होनी चाहिए ताकि सबको सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की भावना आ सके। उसके बाद आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा, मॉडर्नाइजेशन बढ़ने के लिए, अब ये सबको पता है आगे बढ़ने के लिए अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हमें शिक्षा जो है आधुनिकीकरण करना चाहिए। उसके बाद सामाजिक और नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भारतीय शिक्षा आयोग के क्या उद्देश्य हैं। ठीक, उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग तथा पाठ्यक्रम, इसमें इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं, इन्हें सुझाव। ठीक, तो सुझाव इन्होंने दिए हैं कि स्कूल के पाठ्यक्रम में विकास संबंधी शोध कार्य वृद्धि की जाए। ठीक, साथ में पाठ्यक्रम के सभी विषयों में तालमेल होना चाहिए, पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए यानी कि ज़्यादा छात्र अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार अपने सब्जेक्ट जो हैं बदल सकें, स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। ठीक, उसके बाद व्यावसायिक विषयों को उचित स्थान देना चाहिए, व्यावसायिक विषयों को देश की कुशल हमें आज जो है बच्चों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और कुशल कार्यकर्ताओं की प्राप्ति करने के लिए ऐसे हमें व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक, विविध विषयों पर विशेष बल देना, विविध विषयों यानी कि जैसे कि आप तो जो सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम है तो वो है, लेकिन साथ साथ में इस आयोग ने ये कहा है कि जीव विज्ञान, होम साइंस वगैरह सबसे सब्जेक्ट हैं, भौतिक शास्त्र, साइंस शास्त्र, सोशलिज्म, सोशल जो है सोशोलॉजी, ये सब जो है एक्स्ट्रा किताब जो है।